खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। सामाजिक संस्था में पेश एवं HDFC बैंक द्वारा सहायक परियोजना समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खैराबाद विकास खंड के गांव मुलही एवं काजियापुर में HDFC बैंक की कंट्री हेड नुसरत पठान, रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग ऑफिसर मनीषा प्रवीण गुप्ता, उत्तर प्रदेश HDFC बैंक के प्रोग्राम मैनेजर द्वारा आज मलुही गाँव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भ्रमण कर सर्वप्रथम वहाँ पर संचालित विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण किया गया और बच्चों से उसके उपयोग एवं लाभ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। तत्पश्चात गांव में बनी ग्राम विकास समिति, महिला स्वयं सहायता समूह एवं विद्यालय प्रबंध समिति तथा विद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की गई। किस तरह का लाभ आपको मिला? हमको इस संस्था में जुड़े हुए कम से कम 2 साल हो गया है और इसमें से हमको बहुत सारा लाभ मिला। जो चीजें हमने सीखी है वो हम खुद के बल पर कर दे रहे हैं। इससे हमको हमारी पढ़ाई के लिए बहुत सहयोग मिला और अपने घर वालों की भी मदद करते हैं। यहाँ से कौन सा कोर्स आपने किया है? यहाँ से हमने सिलाई का कोर्स किया था और सिलाई सीखी थी पहले, फिर हम अपने घर पे भी करते हैं और अपने घर पे सेंटर भी चलाते हैं, वहाँ पे लड़कियों को सिखाते हैं। क्या आपके द्वारा कोई कोर्स भी मतलब चला रही है? मतलब हाँ, हम घर पे सिलाई सिखाते हैं। कितने लोग? कम से कम इस टाइम तो मेरे पास 30 लोग पर डे मतलब डेली के उसमें आते हैं, तो डेली हम उनको सिखाते हैं। 6 महीने का कोर्स कराते हैं और 3 महीने का कोर्स कराते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रुचि सिंह है। की जाती है, कैसे इनको सहायता दी जाती है? तो ये जो कार्य आप देख रहे हैं ये HDFC बैंक की CSR जो है उसके अंतर्गत किया गया है। जैसे कि आप शायद आपने सुना होगा, परिवर्तन जो है ये एक नाम दिया गया है जो बैंक के जो सारे सामाजिक कार्य होते हैं उसको लेकर, और उसके अंतर्गत ये रूरल डेवलपमेंट या गाँव का जो उन्नति कहते हैं वो एक प्रोजेक्ट है। अगर मैं काम के बारे में बात करूं तो 1000 से भी ज़्यादा गांव HDFC बैंक के इंटरवेंशन से लाभ ले रहे हैं और करीबन 40 से ज़्यादा जो संस्थाएं हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस कार्य में। यूपी में 120 से अधिक गांवों में हम काम कर रहे हैं और 5 पार्टनर्स हैं हमारे। जैसे कि आपने अभी देखा, पेस एक पार्टनर है। हमारा यही मकसद रहता है कि इन गाँव में हम किस तरह का बदलाव ला सकें, दोनों स्थल पे सामाजिक और आर्थिक। और ये करने के लिए पहले तो हम गाँव के जो प्रधान हैं उनसे मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हैं, ये जानने के लिए कि ये इस गाँव में चैलेंज क्या है, यहाँ पे समस्याएं क्या है, और उस समस्याएं को एड्रेस करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। करीबन 3 से 5 साल का ये प्लान रहता है, जिस दौरान हमारा यही मकसद रहता है कि किस तरह से सारी फैमिलीज लाभ उठा सकें और किस तरह के कार्य ये ज्योग्राफी में काम करेंगे। अगर इस जैसे कि पेस के रिप्रेजेंटेटिव है थॉमसन जी, इन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लस्टर में ये लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो आर्थिक मदद करने के लिए जो योजनाएं यहाँ पे लागू की गई हैं उनमें से कुछ ये है कि हमने यहाँ पे पोल्ट्री किया है, हमने गोटरी इंट्रोड्यूस किया है, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया है, यहाँ पे वर्मी कल्चर जो है किस तरह से ये खाद खुद बना सके ताकि बाज़ार से खाद लाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा और पैसे ज़्यादा बचेंगे। स्कूल्स में हमने काफ़ी काम किया है, अगर शायद आप देख सकते हैं वहाँ पे एक साइंस लैब जो है हमने इस्टेब्लिश की है, और ये साइंस लैब यहाँ पे एक है लेकिन अगर हम पैन इंडिया देखें तो हमने करीबन 200 से भी ज़्यादा साइंस लैब्स। मैडम, क्या ये शहरी क्षेत्रों में है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ही लाभ लोगों को दिया जा रहा है? 90% हमारा जो काम है, 90% से भी ज़्यादा % वो ग्रामीण क्षेत्रों में है जी, जो 10% है वो शायद शहरों में।